I wanna give you everything. Hi everyone, this is Bhavna and welcome to my channel Style Statement Friends. आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि आप किस तरह से different different pattern की साड़ी से गाउन कुर्तीज, अगर आपको गाउन कुर्तीज या ड्रेसेस का शौक है तो आप किस तरह से उनको बना सकते हैं, तो यही मैं आपको आज के वीडियो में दिखाने वाली हूँ। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और बने रहिए स्टाइल स्टेटमेंट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फ्रेंड्स। मैं एक एक करके आपको सारी गाउन कुर्तीज दिखाती हूँ जो जो मैंने बनाई हुई है और जो भी मैंने साड़ी से बनाई है। साड़ी से आप कैसे बना सकते हैं ये मैं सब इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली जो कुर्ती है वो कुछ इस तरह की है। ये साड़ी मेरी हाफ एंड हाफ साड़ी थी, आधी में एम्ब्रॉयडरी थी जैसे पल्ले में होती है, 1.5 या 2 मीटर्स जैसे पल्ला होता है नॉर्मल साड़ी का, उतने पार्ट में बहुत ही डेंस एम्ब्रॉयडरी थी। ये सारा एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट मैंने पल्लू में से ही निकाला है, तो इस तरह से बहुत ही डेंस एम्ब्रॉयडरी थी। उसको मैंने कट करके अलग कर लिया और उससे ये कुर्ती बनाई है। इसमें एक स्ट्रेट कुर्ती निकाली है मैंने और फिर भी मेरे पास बहुत सारा एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट बच गया था, तो मैंने उससे ये दूसरी कुर्ती निकाली है। तो स्ट्रेट कुर्ती मैं आपको कभी और दिखाऊंगी किसी और वीडियो में, और शायद आपने पहले देखी भी होगी मेरे चैनल पे अगर आप पुराने हैं तो। ये वाली कुर्ती जो मैंने बनाई थी इसमें ऊपर मैंने इस तरह से, ये देखिए खूबसूरत सा ये पैटर्न मैंने ऊपर ले लिया योक पार्ट में। योक पार्ट में लेने के बाद बहुत ही अच्छा सा एकदम ऐसा भरा भरा सा इफेक्ट आ गया, आगे और पीछे दोनों साइड पे है ये पैटर्न, और जो उसके बॉर्डर्स पे थी ये लाइन और ये वाला पैटर्न, ये मैंने यहाँ पर योक एरिया पे ले लिया, नीचे बस लाइन के नीचे ले लिया, जस्ट नीचे। और इसके ऊपर मैंने इस तरह से फिर स्लीव्स भी, मैंने फुल स्लीव्स निकाली है इसकी क्योंकि ये बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि भरा हुआ काम है, तो मैं इस कपड़े को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहती थी, तो मैंने इसकी स्लीव्स निकाली इस तरह से, फुल स्लीव्स की मैंने ये कुर्ती बनाई है। इसके बाद जो पार्ट मेरा बचा था जैसे जिनमें प्लीट्स डलती हैं, फ्रंट में जो प्लीट्स होती हैं वो डलती है, उसमें क्या था आधे पोर्शन तक एम्ब्रॉयडरी थी उसके ऊपर प्लेन था, तो मैंने उसको ऐसे अरेंज कर लिया। वो पूरा का पूरा जो भी एम्ब्रॉयडरी वाला सारा पार्ट था वो मैंने यहाँ पर ले लिया इसके नीचे घेर में इस तरह से, ये देखिए इस तरह की प्लीट्स थी बनती थी, आधा ये एम्ब्रॉयडरी वाला जो भी पार्ट था वो मैंने नीचे ले लिया इस पे, और इसके ऊपर जो था ये सारा प्लेन पार्ट है, तो इस तरह से मैंने इसकी ये पूरा, ये देखिए पूरा इसमें मैंने जो भी चुन्नट डाल डाल के, छोटी छोटी प्लीट्स डाल डाल के ये गैदरिंग्स वाली मैंने ये कुर्ती बनाई है। अगर आप भी, आपका भी थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, ऑब्वियसली अगर डिलीवरी के बाद पेट निकलता है, वैसे भी आजकल तो छोटे छोटे बच्चों का भी ऐसे लगता है जैसे पेट निकला हुआ है, तो ऑब्वियसली बाहर का खाना होता है, सभी लोग बहुत इंजॉय करते हैं, बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं, तो छोटे बच्चों का, और वैसे भी आजकल स्कूल सारे बंद हैं तो बच्चों की कोई फिजिकल एक्टिविटी इतनी हो नहीं पाती है, तो सबके थोड़े बहुत तो पेट निकले ही होते हैं। तो अगर आप बच्चों के भी बना रहे हैं ड्रेस या अपनी भी बना रहे हैं, थोड़ा बहुत आपके आपका पेट निकला हुआ है बाहर, तो आप इस तरह से, मैं आपको इसमें एक सजेशन देना चाहूँगी, टिप देना चाहूँगी कि आप जो भी अगर कुर्ती बनाते हैं उसमें गैदर्स बनाते हैं इस तरह से प्लीट्स, तो ये फ्रंट एरिया जैसे ये इतना छोड़कर और फिर साइडों में डालिए प्लीट्स। अगर आप यहाँ पर भी प्लीट्स डालेंगे सामने भी, तो वो पेट का जो, जैसे पेट का जो पोर्शन है सामने से उभरा हुआ, निकला हुआ पेट का पोर्शन, तो वो और ज़्यादा लगेगा कि निकला हुआ है, तो इसलिए मैं प्लीट्स को ना थोड़ा सा साइडों में करके डालती हूँ और फ्रंट में नहीं डालती हूँ। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने मतलब जज किया है, जब मैंने ऐसी ही गैदर्स वाली कोई भी कुर्ती बनाई या स्कर्ट बनाया, फ्रंट में मैंने प्लीट्स डाल दी पेट के ऊपर, तो वो और ज़्यादा बाहर को निकला हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह के अगर आप डिज़ाइन डालेंगे, इस तरह से प्लीट्स डालेंगे, तो वो कभी भी नहीं होगा और हमेशा वो मतलब पेट आपका एकदम जैसे होता है ना छुपा देगा, इस तरह से हाइड कर देगी गाउन कुर्ती। वैसे भी जिसकी भी बहुत ज़्यादा पेट ज़्यादा निकला होता है जिसका भी, तो वो हमेशा इस टाइप की गैदर्स वाली कुर्ती पहन सकते हैं क्योंकि इससे टमी फैट एकदम कंसोल हो जाता है और कहीं से भी आप बहुत ज़्यादा फैटी नज़र नहीं आते, सारे कहीं वो फूला फूला सा अनारकली वाला इफेक्ट आता है, तो इस टाइप की गाउन कुर्ती आप पहन सकते हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट कुर्ती की तरफ। तो गाउन कुर्ती, अब ये थी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी, शिफॉन में थी ये साड़ी। तो इस टाइप की एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी को आप किस तरह से पूरी तरह से मतलब कंज्यूम कर सकते हो कुर्तीज़ बनाकर। मेरी ये पूरी की पूरी जो साड़ी थी वो दो कुर्तीज़ में बन गई है, और दो कुर्तीज़ मतलब एक स्ट्रेट कुर्ती, एक इस टाइप की गाउन कुर्ती बन गई। तो पूरी साड़ी कंज्यूम हो गई और कुछ भी नहीं बचा। तो हमारा रीयूज़ करने का यही मतलब होता है कि हम पूरी साड़ी को कंज्यूम कर ले। अब इसमें आप दो कुर्तियां निकाल सकते हैं, या एक बॉटम और एक टॉप निकाल सकते हैं, या फिर दुपट्टा और कुर्ती निकाल सकते हैं, या फिर दुपट्टा और बॉटम निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से आप अपनी कुर्तीज को बना सकते हैं। साड़ी में पहले ये देखना पड़ता है कि कैसा पैटर्न है और कैसा डिज़ाइन है, जिसमें कुछ जो भी हम बनाना चाहते हैं उसमें वो अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। अगर हम वो बनाना चाहते हैं और किस तरह से वो मतलब उसको हम पैटर्न के लेआउट करें ताकि वो बन जाए अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट कुर्ती भी कुछ इसी तरह की है, दिखाती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट कुर्ती मैंने अनारकली कुर्ती टाइप की बनाई है, अनारकली फ्रॉक टाइप की। तो वो दिखाती हूँ मैं आपको, कुछ इस टाइप का है ये कुर्ती। देखिए कितनी ब्यूटीफुल प्रिंट और डिज़ाइन है। ये भी पुरानी साड़ी से ही बनाया मैंने। ये साड़ी मैंने आपको दिखा देती हूँ साड़ी की ओरिजिनल पिक्चर। बहुत ही खूबसूरत साड़ी थी। तो मैं इसकी हमेशा जब मैंने इसको लिया था तभी मैंने सोच लिया था कि मैं इसकी एक कुर्ती ही बनाऊंगी। और आजकल ऐसा स्टिफ मटेरियल वाली कुर्ती ना गर्मियों में पहनने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत रॉयल सा रिच सा लुक आता है। तो मैंने इसको इस तरह से वी नेक का बनाया है, फ्रंट में ये जिगजैग वाली लेस लगा ली, और इस टाइप से ब्लाउज वाली इसकी फिटिंग की है सारी। यहाँ पर एक जो होती है वो स्लीव, एक सीम दी है, सिलाई की है यहाँ पर, और इसकी स्लीव्स पे से यहाँ पर ये देखिए। तो इस टाइप से ये बिल्कुल एकदम बिना कप होते हुए भी, इसके अंदर कप नहीं लगाया है मैंने, बट कप ना होते हुए भी ये बिल्कुल कप वाली फिटिंग देती है इस टाइप की, अगर मैं सिलाई करती हूँ तो। और इसको भी मैंने 3-4 स्लीव्स से थोड़ा सा लंबा रखा है, क्योंकि इस टाइप की कुर्तीज बहुत ही ज़्यादा फैशन में है, बहुत महंगी मिलती है। मैं चांदनी चौक में गई थी एक बार, तो मैंने इस टाइप की कुर्ती पूछी थी, काफ़ी महंगी बता रहा था वो। कुर्ती थी वो बनी बनाई भी थी, और सूट पीस भी मिल रहा था, तो सूट पीस भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था, 1100 समथिंग का था। बट यहाँ पर ये 399 की समथिंग की साड़ी थी, काफ़ी टाइम पहले ली थी मैंने, इसको स्टाइल भी कर लिया, साड़ी को काफ़ी बार पहन भी लिया था मैंने। और ये थोड़ी सी मतलब अब साड़ी नहीं है, मैं इसका जो ओरिजिनली मैंने जिस पर्पस के लिए इसको लिया था तो मैं वही बनाना चाहती थी। तो अब ये लॉकडाउन लग गया जैसे कि आपको पता ही है, तो मैं थोड़ी सी इसी टाइप के क्रिएटिव काम करती रहती हूँ। आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो पता चल गया होगा आपको। तो मैंने इसका जो आइडिया है वो ये है कि इसकी एक अनारकली कुर्ती बनाई जाए, क्योंकि काफ़ी स्टिफ फैब्रिक था, तो मैंने इसकी एक कुर्ती बनाई है। ये फ्रंट है और ये बैक है। जितनी सिंपल आपकी कुर्ती होगी उतना ही मतलब उसमें ग्रेस आता है, एक ग्रेसिंग एलिमेंट होता है ना जो एक फेमिनिस्ट लगता है बिल्कुल कुर्ती। तो काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है वो कुर्ती, जिसमें सिंपल ज़्यादा होती है तो ज़्यादा तड़क भड़क होती है ना, तो वो थोड़ा सा एलिगेंट नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है। और जितनी भी आप देखेंगे कुर्तीज़ वो जो सिंपल होंगी वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बजाय के जो भी आप उसमें यहाँ पर कोल्ड शोल्डर्स भी डाल लेते हैं, पीछे भी कोई पैटर्न डाल लेंगे, या फिर आगे 2-3 कलर का मिक्स एंड मैच करके कुछ डिज़ाइन से डाल लेंगे, वो बिल्कुल भी एलिगेंट नहीं लगती है, और बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि थोड़ी ख़राब लगती हैं देखने में। तो ये ऐसी कुर्तीज़ हैं जो सदाबहार होती हैं और हमेशा आप इनको पहन सकते हैं, इनका कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होगा। तो इसमें जो मैंने डाली है, इसमें 16 कलियाँ डाली हैं, 8 आगे 8 पीछे। तो इस टाइप से ये कलियों वाला पूरा सूट तैयार हो गया, और पूरी साड़ी इसी पैटर्न की थी, तो इसमें मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी कि ये आगे आएगा ये पीछे आएगा, पल्लू वाला पार्ट कहाँ लूँ और प्लीट्स वाला पार्ट कहाँ लूँ, तो ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये पूरी साड़ी ऐसी ही थी इसी पैटर्न में, तो मैंने आराम से इसमें कलियाँ निकाल के आराम से इसका बना लिया सूट, और ये बहुत खूबसूरत सा सूट बना है। इसके नीचे मैं ऑरेंज कलर की, रेड कलर की, ग्रीन कलर की, या फिर बेज कलर की कोई भी लेगिंग पहन सकती हूँ। लेगिंग के साथ ही ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, तो लेगिंग पहन के और सेम कलर का दुपट्टा वगैरह लेके बहुत ही खूबसूरत इसका स्टाइल आएगा। ये देखिए,
ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और अनारकली इस कपड़े में आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है, बिलीव मी फ्रेंड्स, बहुत महंगे भी मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा फैशन में भी है। इसको मैं छोटी मोटी किसी भी पार्टी में भी पहन सकती हूँ, थोड़ा हैवी दुपट्टा लेकर ये आराम से कैरी किया जा सकता है। तो इस टाइप की आप कुर्तीज़ ज़रूर बनाइए अपनी साड़ी से। ये आर्ट सिल्क फैब्रिक है, आर्ट सिल्क जो होता है वो थोड़ा सा स्टिफ होता है फैब्रिक, तो उसमें मैंने उससे बनाया है। ये बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश सा है पैटर्न। अभी तो वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है दिल्ली में, तो ये वीडियो मैं जब शूट कर रही हूँ तो ऑब्वियसली अभी वीकेंड ही है और कर्फ्यू लगा हुआ है, तो ये मैंने अभी बनाया था ये कुर्ता। तो इसके ऊपर अगर मैं चाहूँगी तो हल्के से ऑरेंज कलर के टैसल लगा सकती हूँ इसके फ्रंट पे, जो ये मेरे पास जिगजैग लेस तो पहले से ही पड़ी थी तो मैंने वही यूज़ कर लिया इसके वी नेक पे। अगर आप चाहें तो इसमें ऑरेंज कलर के टैसल या ऑरेंज कलर के बटन लगा सकते हैं, या फिर ऐसे सिल्वर कलर के बटन भी काफ़ी सुंदर लगेंगे। तो जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कीजिए और इसको बना के पहनिए। इसमें मुझे 3 मीटर की लाइनिंग मैंने यूज़ की है। 3 मीटर की लाइनिंग इस हिसाब से मैं लेती हूँ कि बिल्कुल कम ना पड़े और मुझे कंजूसी ना करनी पड़े। इसके पूरे घेर पे भी मैंने अच्छी तरह से फ्लोई सा बन जाए इसके नीचे, तो मैंने उस टाइप से इसकी पूरी लाइनिंग ली है। लाइनिंग पूरी यहाँ तक आई है, ये देखिए इसके नीचे यहाँ तक लाइनिंग आई है, पूरी लाइनिंग यहाँ तक है और अलग अलग है, इसके साथ नई स्टिच की है मैंने। तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल और स्टाइलिश है ये अनारकली बन गया है। तो इस टाइप की कुर्तीज़ आप अपनी पुरानी साड़ी से, आर्ट सिल्क की साड़ी से ऐसी बना सकते हैं। इस साड़ी से आप इस टाइप की अनारकली कुर्तीज़ निकालिए, बहुत अच्छी लगती है। इसकी लेंथ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप इसकी गाउन अगर इसका बनाना चाहते हैं तो फ्लोर लेंथ इसकी लेंथ रखिए, लंबाई पूरी निकल जाती है उसमें, तो वो भी बहुत अच्छी लगेगी। और इसमें मैं एक और बात बता दूँ, मेरे पास जब मैं ये साड़ी ली थी तो इस साड़ी में इस टाइप का चौड़ा सा बॉर्डर था, ये मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है, अंदर भी ऐसा ही है ये देखिए, तो इतना ही और इतना चौड़ा बॉर्डर ऊपर और नीचे था, तो मैंने वो दोनों ही काट के निकाल लिए। उसके बाद साड़ी की लेंथ ऑब्वियस थोड़ी छोटी हो गई, कलियां निकल गई फिर उसमें, बट ये लेंथ भी मेरे एंकल से हल्का सा ऊपर तक आती है, तो ऑब्वियसली इसकी पूरी लेंथ बहुत अच्छी थी साड़ी की। तो ये चीजें आप बहुत जरूरी है देखिए, ध्यान रखना। जब भी हम साड़ी में से बॉर्डर निकाल देते हैं तो उसकी लेंथ ऑब्वियसली कम हो जाती है, तो उस हिसाब से ही हमें पैटर्न अपना एडजस्ट करना पड़ता है साड़ी का, कि हमें क्या बनाना है और उसमें वो निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो ये मैंने इस टाइप से लिया है। इसका बॉर्डर सिर्फ मैंने यहीं पर ही यूज़ किया है, मैं चाहती थी कि यहाँ पर भी कर लूँ, बट यहाँ पर फिर मुझे मैंने हल्का सा वैसे ही अटैच करके देखा था, बट नीचे यहाँ पर इसके नीचे अच्छा नहीं लगा ज़्यादा, तो मैंने इसलिए इसको रख दिया और इसको रहने दिया, एज इट इज़ ही रहने दिया। तो ये काफ़ी अच्छा सा पार्टी वेयर सा सूट मेरा तैयार हो गया। मुझे इसके कलर कॉम्बिनेशन बहुत बहुत ऑसम लग रहे हैं, बेज के साथ रेड और ऑरेंज का जो कॉम्बिनेशन है, बिलीव मी ये बहुत रेयर और बहुत प्रिटी कॉम्बिनेशन है। ऐसी साड़ीज़ अमेजोन पर बहुत आराम से मिल जाती है, आप उनका सूट बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये था मेरा नेक्स्ट तरीका कि कैसे आप आर्ट सिल्क की साड़ीज को यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं नई दूसरी, दिखाती हूँ मैं कि मैंने कैसे एक और बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ती बनाई है। काफ़ी सारी कुर्तीज़ हैं, अगर आप कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो एक कप कॉफ़ी लेके बैठिए, यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पे पुराने हैं और रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपने देखी होगी इस कलर की साड़ी, ये वाली पर्पल कलर की साड़ी मैंने बहुत ही मतलब मन से ली थी और बहुत पहनी मैंने, रियली बहुत बहुत पहनी। इसको डिफरेंट टाइप से कैसे स्टाइल कर सकते हैं ये भी वीडियो डाला है। अब मैं इसको पहन कर बहुत बार वीडियोज़ में भी वैसे भी बोर हो गई थी, तो मैंने हमेशा ही पिंट्रस्ट पे ना प्लेन कुर्तीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया था, प्लेन कुर्तीज़, सिंपल कुर्तीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है। उनको आप टोन अप टोन डाउन करके कैसे भी पहन सकते हो, डेली वेयर से लेके आप उसको पार्टी वेयर तक बना सकते हो एक्सेसराइज करके अच्छी तरह से। तो हमेशा मैं प्रेफर करती हूँ प्लेन चीज़ें लेने की, सॉलिड चीज़ें लेने की, ताकि उनको मैं अलग अलग टाइप से स्टाइल कर सकूँ। तो ये साड़ी मैंने एज अ साड़ी बहुत बार पहनी, बहुत टाइप्स से पहनी। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस पर भी मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है, मैं लिंक कर दूंगी, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इसकी अब मैंने ये कुर्ती बनाई है, ये देखिए खूबसूरत सी अनारकली कुर्ती है, ये भी अनारकली, और ये मैंने पूरा अम्ब्रेला कट रखा है, पूरा इसका जो घेरा है इस
ये भी मैंने अमेजोन से ली थी साड़ी, तो इसका भी लिंक मैं दे दूंगी। इन साड़ीज का लिंक ऑब्वियसली मैंने पहले वाले वीडियोस में भी दिया हुआ है, और ये आप आराम से अमेजोन पर सर्च भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। तो इसे मैंने इस तरह से, ये देखिए पूरा घेरा आ गया है इसका, नीचे पूरा अच्छे से अम्ब्रेला कट पूरा आ गया है, और ये भी एंकल लेंथ से हल्का सा ऊपर तक बनी है। इसको मैं ब्लैक के साथ, व्हाइट के साथ, किसी भी पैंट या ट्राउज़र प्लाजो किसी के साथ भी स्टाइल कर सकती हूँ। बहुत ब्यूटीफुल लगने वाला है, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगने वाला है। इस टाइप की कुर्तीज़ बहुत ही महंगी मिलती है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कपड़ा लगा होता है। अभी इसमें 1.5 मीटर कपड़ा और बचा हुआ है, तो उसका भी मैं कुछ बना सकती हूँ। अभी मैंने बनाया नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको वो नहीं दिखाया, बट गाउन कुर्तीज़ का ये वीडियो था। तो गाउन कुर्तीज़ आप किस तरह से बना सकते हैं, प्लेन साड़ी हो अगर आपके पास इस टाइप की, तो ड्रेस या फिर गाउन कुर्ती बनाइए। ड्रेस जो होती है उसमें थोड़े से ड्रेसिंग एलिमेंट उसमें डालने पड़ेंगे आपको, गला आप सिंपल ही रख सकते हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन डालना पड़ेगा। बट इस कुर्ती को, जैसे कि ये बिल्कुल सिंपल कुर्ती है, तो मैं इसे ऐसे भी ड्रेस की तरह भी पहन सकती हूँ, बस एक बेल्ट लगानी होगी आगे, और मैं इसको ऐसे भी पहन सकती हूँ। तो आप आराम से इसको वेयर कर सकते हैं, ये देखिए कितनी खूबसूरत कुर्ती है, ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी फिटिंग इसकी आई है मुझे। तो इस टाइप की ना जो कुर्तीज़ होती है, की भी आप लेंथ अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप इसको एज अ कुर्ती पहनना चाहते हैं, तो थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ की रखिए, ताकि इसके नीचे जो भी आप बॉटन पहनते हैं, थोड़ा सा जैसे अगर लेगिंग पहनते हैं, तो उसकी जो चुनटे होती है लेगिंग की, पैरों पे जो बनती है एंकल पे, वो काफ़ी सारी चुनटे इसमें से शो हो, तो एकदम अनारकली वाला फील आए, तो पूरा सूट वाला फील आए। तो इस टाइप से मैं इसको पहनना चाहती थी, तो इसी हिसाब से मैंने इसकी लेंथ रखी। बाकी ये प्लेन साड़ीज़ का हमेशा मुझे ये बेनिफिट लगता है, अगर मैं इसका अम्ब्रेला कट निकालती हूँ, लहंगा भी अगर मैं बनाऊँ अगर इन प्लेन साड़ीज़ का, तो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, क्योंकि इसमें ऊपर से लेके नीचे तक कोई भी ना बॉर्डर होता है ना डिज़ाइन होता है। तो बहुत ईजी और कन्वीनियंट वे में आप इसमें से अम्ब्रेला कट निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप इसको मतलब एज अ ड्रेस भी पहन सकते हैं, और एज अ कुर्ती भी आप इसको वेयर कर सकते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लगती है। आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में भी है, ट्रेंड में भी है। तो आप हमेशा ये ट्राई कीजिए कि प्लेन साड़ीज़ की इस तरह की अम्ब्रेला कुर्तीज़ निकालिए, इनमें पूरा का पूरा आपका कपड़ा भी कंज्यूम हो जाएगा, और बहुत ब्यूटीफुल सा फ्लेयर आता है। ये देखिए, तो फ्लेयर भी आएगा इसमें अच्छा, और इसमें कुर्ती भी बहुत अच्छी लगेगी। इसके नीचे भी मैंने पूरी अम्ब्रेला कट में कट करके पूरी जो लाइनिंग है वो अच्छे से लगाई है। मैं हमेशा कॉटन लाइनिंग ही प्रेफर करती हूँ, डोंट टेक मी लाइक कि मैं पैसे सेव करती हूँ या कुछ। कॉटन लाइनिंग भी बहुत महंगी ही आती है, 40 रुपीज़ पर मीटर आती है आजकल, काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई है। साटिन की चाहे बेशक कम किया जाए, बट मुझे साटिन की ना पसंद नहीं आती, क्योंकि वो गर्मियों में मैं वेयर नहीं कर सकती, तो मैं इसलिए कॉटन की लाइनिंग ही प्रेफर करती हूँ। मैंने व्हाइट वाली कुर्ती में भी वो कॉटन की लाइनिंग ही लगाई, इसमें भी, और मैं अपनी सभी कुर्तीज़ में कॉटन की लाइनिंग ही लगाती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। साटिन से कुछ होता ना कि हम उन पर्टिकुलर मंथ्स में उन कपड़ों को नहीं वेयर कर पाएंगे अगर हम साटिन की लाइनिंग लगाएंगे या फिर शैंटून की लगाएंगे। तो थोड़ा ठंडे मौसम में ही हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, तो ठंडे मौसम में ही हम पहनेंगे वो। ये जो कॉटन की लाइनिंग का फंडा होता है, वो ये है कि आप इसको वॉश करके लगाइए हमेशा, जितनी भी आप लेते हैं उसको वॉश कर लीजिए, अच्छे से सुखा लीजिए, फिर उसके बाद प्रेस कर लीजिए, वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही आ जाएगी। तो जो उसने श्रिंक होना होगा वो हो चुकेगी, तो उसके बाद आप इसको वेयर कीजिए, बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बहुत स्टाइलिश लगता है। तो फ्रेंड्स, ये है एक और प्लेन साड़ी की वाली कुर्ती, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्टाइलिश लगती है। कल ही मैंने इसको बनाया, तो अभी जब भी ऐसे कोई कपड़े आप बनाते हैं, तो मेक श्योर कि आप उनको अच्छे से आयरन कर लीजिए। आयरन करने से क्या होती है कि जो उनकी सिलाई होती है वो वहीं पर बैठ जाती है, वहीं पर ही सेट हो जाएगी, और आपका कपड़ा भी बिल्कुल अच्छा सा, मतलब कुर्ती बनाई है तो कुर्ती भी और सुंदर लगेगी देखने में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी प्रेस नहीं की है, तो जैसा ये बनी हुई थी वैसे की वैसी ये, इसके ऊपर एक बार प्रेस मारूंगी, ये बिल्कुल सेट हो जाएगी, और बिल्कुल बहुत ही अच्छा इसका फॉल आएगा। मैं इसको सबको ट्राई करके आपको दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है ये फाइनली।
हर टाइप की साड़ीज में मैंने वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की है कि आपको हर टाइप की साड़ी से थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि किस तरह से हम गाउन कुर्तीज बना सकते हैं। अगर आपको भी गाउन कुर्तीज या ड्रेस वाली कुर्तीज पहनने का बहुत शौक है और आप चाहते हैं कि आपके पास कोई साड़ी ऐसी पड़ी हुई है मैं भी बना के पहनूँ, तो ज़रूर पहनिए, बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका आइडिया मैंने कैसे बनाई क्या बनाई, बट ये कुर्तियों का एक था पूरा वीडियो, तो मैंने सोचा इसको भी ऐड कर लेती हूँ, इसको भी आप देख के खुश होंगे, कुछ आइडिया मिलेगा आपको। तो ये कुर्ती है, ये देखिए कितनी खूबसूरत कुर्ती बनी है, इसको कोई देख के नहीं बोल सकता कि ये साड़ी से और ब्लाउज का यूज़ करके बनी हुई है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये ब्लाउज का यूज़ करके पूरी कुर्ती बनी हुई है। ये मैंने करवा चौथ पे पहनी थी और इतनी खूबसूरत लग रही थी, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी ये पूरी की पूरी कुर्ती, फुल इसका लुक बहुत ब्यूटीफुल आ रहा था, मैं फोटोज़ इंसर्ट करती जाऊँगी। तो ये जो था पूरी साड़ी हाफ एंड हाफ पैटर्न में थी, हाफ साड़ी किसी और पीच पिंकिश पीच कलर की थी, जो उसका पल्लू पार्ट था, ये इसके पार्ट था जो कि बिल्कुल जो प्लीट्स वाला एरिया था वो सारा का सारा मैंने इसके अंदर लगा दिया। इसमें मैंने पहले मैं ऊपर से स्टार्ट करती हूँ, मुझे ये बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे चाहिए था क्योंकि मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी करवा चौथ का, जब इस साल जब करवा चौथ आया था तो मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी, मैं उसी में लगी हुई थी, मेरी सारी इनकम मेरी सारी जो थी सैलरी वो सब कुछ, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो उसके टेस्ट पे डॉक्टर्स पे रिपोर्ट्स पे सब पे लग गई, तो मेरे पास बहुत कम रिसोर्सेज बचे थे कि मैं कुछ अपने लिए नया लेके आऊँ। आप जानते हैं सैलरीड जो होते हैं तो वो मेरी इस कंडीशन के साथ रिलेट कर पाएंगे, तो मुझे कुछ है ना अर्जेंट बेसिस पे चाहिए था, मेरे पास टाइम तक नहीं था क्योंकि ऑफिस दिन में होता था, शाम को फिर बच्चे को देखना होता था, सुबह में जल्दी उठ के सारे काम निपटाती थी, अपने घर के भी मैं खुद ही करती हूँ, तो मेरी लाइफ एकदम हेल हो चुकी थी उस टाइम पर, लिटरली बिल्कुल हेल हो चुकी थी। तो मेरा बच्चा अब तो ठीक है, छोटा वाला बेटा, तो उस टाइम की कंडीशंस मैं आपको सामने रख रही हूँ कि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी था कि हाँ करवा चौथ पे मुझे कुछ अच्छा नया पहनना है, अब क्या पहनूँ मैं क्या पहनूँ, तो एकदम मेरे दिमाग में आइडिया स्ट्रक हुआ, तो वो ये आइडिया था। ये ब्लाउज़ मैंने लिया था 250 रुपीज़ का, सेल लगी हुई थी हमारी लोकल मार्केट में, तो मैंने ये ब्लाउज़ ऐसा लिया डिज़ाइन मल्टी कलर का, काफ़ी टाइम से एक साल पहले लिया था और ऐसे कैसे रखा हुआ था, तो ये वियर नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा इस साड़ी का मैं क्यों ना सूट बना लूँ और उसके साथ उसको वियर करती हूँ। तो इसको बनाने में लिटरली मुझे एक घंटा भी नहीं लगा, मैंने 15-15 मिनट करके पूरे वीक में से निकाले, चार दिन में मैंने इसको कंप्लीट करके निकाल लिया। तो मॉर्निंग में मैं थोड़ा जल्दी 15 मिनट उठ जाती थी, तो वो 15 मिनट मैंने इधर लगा लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये ब्लाउज़ था तो मैंने कैसे इसको सूट बनाया। अब इस ब्लाउज़ के नीचे वाले पार्ट में मैंने ये चुन्नटे बना बना के, ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, ये गैदर्स बना बना के मैंने इसके साथ अटैच कर लिया। लाइनिंग मैं एक बार मार्केट से ले आई थी इसके नीचे की, तो ये गैदर्स बना के मैंने इसमें अटैच कर लिया। फिर उसके बाद इसी साड़ी में से मुझे ये लेस मिल गई थी इसी साड़ी में से, तो मैंने वो यहाँ इसके जॉइंट्स पे लगा दी ताकि ये बिल्कुल भी ऑड ना लगे, अलग सा ना लगे, तो इस टाइप से ये देखिए। इसके बाद ये सारा कढ़ाई वाला पार्ट जो कितनी हैवी एम्ब्रॉयडरी है इसमें आप देख सकते हैं, उसके बाद कितनी ब्यूटीफुल से ये रोजेस के पैच लगे हुए हैं, तो ये सब साड़ी के अंदर ही था, तो मैंने और इसके बाद अभी लेस भी थी और काफ़ी ब्रॉड बॉर्डर भी था, मैंने वो सब कुछ निकाल दिया, बस मैंने इसका ये कटवर्क वाला ये पैच रख लिया, बाकी सब कुछ निकाल दिया इसमें से, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा हैवी भी नहीं चाहिए था, तो ये वैसे भी ऑलरेडी बहुत हैवी बन गया सूट, भी देखने में ऐसा लगता है जैसे बहुत ही हैवी और पार्टी वेयर टाइप का, जैसे ये होता है ना किसी बुटीक में मैंने डिज़ाइन करवाया वो वैसा लग रहा है ये पूरा सूट। बट बिलीव मी, मैंने सिर्फ 4 दिनों में 15 मिनट का टाइम दिया और 1 घंटे में ये पूरा बन गया। तो इस टाइप से भी आप अपने ब्लाउज़ को अपनी साड़ी को यूज़ कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, आपको कोई भी मैचिंग का ब्लाउज़ लेना है जो आपके पैटर्न प्रिंट से थोड़ा मैच करे, जैसे कि अब ये है डार्क पर्पल कलर है, वाइन कलर है, तो वाइन कलर के साथ हमेशा पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है और बेज कलर, तो मैंने इसी कलर का मेरे पास ब्लाउज़ पड़ा था, मैंने वही यूज़ किया, इसको नीचे ही स्टिच कर दिया, मुझे इसके ऊपर चोली बनाने में कोई भी टाइम नहीं वेस्ट
करना पड़ा। इसकी स्लीव्स ऑलरेडी बनी हुई थी, इसकी गला वला सब बना हुआ था, तो बहुत इजीली मैंने इसके साथ स्टिच किया। ये दो डोरियां ऑलरेडी लगी पड़ी थी, तो इसको मैंने मतलब पूरी फिटिंग ऑलरेडी हुई पड़ी थी, बस मैंने नीचे का जो घेर होता है उसमें मैंने इस टाइप से जोड़ दिया, और जो अनवांटेड पार्ट था साड़ी का, इसके नीचे जो बॉर्डर वॉर्डर लगे हुए थे वो सब निकाल के, और मैंने ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइनर सूट तैयार कर लिया घर में ही। देखकर कोई भी नहीं कह पाया कि ये मैंने घर में ही बनाया है, और इतनी आसानी से इतनी सस्ते वे में बन गया। तो सभी लोग मतलब कह रहे थे तूने कहाँ से लिया, ये कहाँ से लिया, बट ओनली मी एंड माय गॉड नोज द सीक्रेट कि मैंने कहाँ से लिया है, कहाँ से नहीं लिया। अब लोग, अब तो आप भी जान गए हो कि मैंने कहाँ से लिया। तो इस टाइप से आप अपने पुराने ब्लाउज को यूज़ कर सकते हैं। गाउन कुर्ती बनाइए, गाउन ब्लाउज के नीचे थोड़ी सी सिलाई खोलनी पड़ेगी आपको, अगर आपके आपका हैंडमेड स्टिच्ड ब्लाउज है, क्योंकि जो रेडीमेड होता है मार्केट वाले होते हैं उसके नीचे बिल्कुल भी मार्जिन नहीं होता कि आप उसको खोल के थोड़ा सा लंबा कर सकें, बट जो हैंडमेड होते हैं उसमें होता है। तो ये रेडीमेड, ये मार्केट का था, बट इसके नीचे मैंने इस टाइप से ये एक, ये देखिए आगे पीछे दोनों साइड लगाई है मैंने, ये लेस लगाकर पूरा इसका जो छोटापन था या फिर कुछ भी ऑड लग रहा था वो सब कुछ इसके नीचे छुप गया। तो इस टाइप से आप इसको आराम से पहन सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बारीक सी चीज़ होती है जो हमें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है वाइल क्रिएटिंग एनी सूट फ्रॉम साड़ी। तो इस टाइप की आप गाउन कुर्ती बना सकते हैं। नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको। अब फ्रेंड्स, ये चार कुर्तीज तो जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल बनी थी, ये भी मैंने आपको दिखाई। अब नेक्स्ट बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती और दिखाती हूँ मैं, और आइडिया आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपके पास नेट की साड़ी पड़ी है, थोड़ा सा वो सॉफ्ट नेट है जो किसी भी टाइप से ढल जाता है, तो उसकी कुर्ती आप इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए खूबसूरत सी कुर्ती है, इसकी भी मैंने पिक्स अपलोड ऑलरेडी की हुई है। तो ये कुर्ती भी मैंने, गाउन कुर्ती ये भी मैंने नेट की साड़ी में से बनाई थी। ये रही नेट की साड़ी, ये देखिए तो बहुत ही खूबसूरत है। इसमें मेरे पास पिछले लॉकडाउन में ये बनाई थी मैंने, इसमें मेरे पास ज़्यादा लाइनिंग नहीं थी और ख़रीदने का कोई चांस भी नहीं था क्योंकि मार्केट पूरी बंद थी। तो मेरे पास ये 1 मीटर लाइनिंग थी, 1 मीटर से भी कम, जो कि मैंने इसके ऊपर वाले पोर्शन में लगा ली, ऊपर वाली बॉडीज पार्ट में लगा ली। उसके बाद नीचे मैंने ऐसी की ऐसे इसका पूरा वो बना दिया। ये देखिए ये मैंने फ्रंट ओपन बनाई है, तो यहाँ पर मैंने छोटी छोटी सी गैदरिंग्स लगा लगा कर पूरा ये इसका जो कपड़ा था पूरा कंज्यूम कर लिया इसके आसपास। और दूसरी बात, इसके नीचे इसको मैं अब जो यूज़ करती हूँ वो मैं इसको गोल्डन कलर की स्कर्ट के साथ पेयर कर लेती हूँ। बहुत अच्छी लगती है ये कुर्ती, बहुत ही ब्यूटीफुल वर्सेटाइल सा, एकदम ऐसा लगता है जैसे इंडो वेस्टर्न कुछ मैंने पहना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत इसका पूरा डिज़ाइन और स्टाइल लगता है। तो मैं इसको पहन के आपको दिखा दूंगी, इसकी पिक्चर्स अपलोड कर दूंगी, बहुत सुंदर लगता है। फ्रंट ओपन पैटर्न की कुर्तीज बहुत पसंद आती है, इनको मैं जीन्स के साथ या फिर स्कर्ट के साथ कभी भी मैं स्टाइल कर सकती हूँ, तो बहुत सुंदर लगती है। तो ऐसी ही फ्रंट ओपन पैटर्न की कुर्ती मैंने दो और बनाई हुई है, दो नहीं इनफैक्ट 3 और बनाई हुई है। तो इनको मैं डिफरेंट टाइप से स्टाइल करती रहती हूँ, बहुत सुंदर लगती है। तो ये वाली जो मैंने कुर्ती बनाई है पिंक कलर की, ये देखिए कितनी खूबसूरत सी कुर्ती है। ये भी मैंने फ्रंट ओपन पैटर्न की बनाई है, और ये हाफ एंड हाफ साड़ी थी। साड़ी थोड़ी सी खराब हो गई थी क्योंकि जो इसका पल्लू पार्ट था वो ब्रासो का था, तो ब्रासो आपको पता है थोड़े टाइम के बाद वो निकलने लग जाता है सारे उसके धागे वागे, तो वो वाला पार्ट मैंने निकाल दिया। उसके बाद जो नीचे की जो प्लीट्स वाला पार्ट बच गया नीचे का, तो वो मैंने इसके अंदर कंज्यूम कर लिया। ये देखिए गाउन कुर्ती है, ये फ्रंट ओपन गाउन कुर्ती, इसको मैं जीन्स के साथ स्टाइल करती हूँ, बहुत खूबसूरत सा एक लुक आता है। और इसको मैं अगर चाहूँ तो स्कर्ट के साथ भी स्टाइल कर सकती हूँ। पिंक कलर की गाउन कुर्ती बहुत ही ज़्यादा आजकल, बहुत ज़्यादा 2 साल पहले का फैशन में थी जब मैंने इसको बनाया था। ये आप देखिए, तो मैंने जुगाड़ के बटन लगाए हैं, वो इयररिंग्स हैं एक्चुअल में। ये इयररिंग्स थे मेरे जो कि मैंने इस पे लगा लिए हैं, और ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सामने कुछ डिज़ाइनर लगाया हुआ है, डिज़ाइनर एलिमेंट है। ऐसे कोई भी इयररिंग्स होते हैं आपके पास जो टूट जाते हैं, तो उनको आप एज अ बटन या फिर एज अ हैंगिंग अपने कुर्ती पे लगा सकते हैं, काफ़ी सुंदर और काफ़ी ब्यूटीफुल सा लुक आता है। इसका मैंने पूरी लेंथ रखी है, बट अगर आप इसकी लेंथ छोटी करना चाहते हैं तो इसको आप छोटी लेंथ का भी बना सकते हैं। इसकी मैंने फुल लेंथ रखी है नीचे तक, ये देखिए। और नीचे इसको फ्रंट
फ्रंट से मैंने थोड़ा सा इसको बंद कर दिया, सिलाई लगा दी, उसके बाद मैंने यहाँ से खोल दिया है। और क्योंकि मेरा टमी थोड़ा सा बाहर है तो टमी एरिया तक मैंने इसको बंद कर दिया कि टमी ना दिखे, और फिर मैंने उसके बाद इसको ओपन कर दिया है कि जीन्स पहनती हूँ तो जीन्स दिखती है इसके नीचे से, बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने इसको नीचे से इस तरह से फोल्ड करा है, डबल फोल्ड करके। तो ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है ये बहुत ईजी टू रिक्रिएट है, बहुत ईजीली आप बना सकते हैं। तो इस टाइप की कुर्तीज़ आप ज़रूर बनाइए, अगर आपके पास भी इस टाइप की प्रिंटेड साड़ीज़ हैं तो ऐसी कुर्तीज़ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट कुर्ती जो है वो गाउन कुर्ती कुछ इस पैटर्न की है, ये भी आपने काफ़ी बार देखी होगी, बट इसका कलर इतना प्यारा है, मैं इसको जब भी पहनती हूँ बहुत ही खूबसूरत सा खिल के आता है कलर इसमें। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर लग रहा है ये, तो ये कलर इतना सुंदर है। तो इस साड़ी का जो था ये प्रिंट थोड़ा सा निकल रहा था, तो मैंने इसकी एक कुर्ती बना ली, ये फ्रंट ओपन कुर्ती। इसको भी मैं इसके अंदर मैंने ये गोल्डन कलर का एलिमेंट इसलिए दिया, ये कपड़ा था एक गोल्डन मेरे पास पड़ा था, इसको मैंने यहीं पर लगाकर और उसके बाद ये हैंगिंग वाली लेस यहाँ पर लगा दी, तो कुछ डिज़ाइनर सा बन गया पीस। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये घूम वाले मतलब ये सारे के सारे प्लीट्स डाल डाल के इसमें पैटर्न बना लिया। फ्रंट मैंने यहाँ तक बंद रखा है इसको और फिर यहाँ से इसको ओपन कर दिया। तो इसे भी मैं गोल्डन कलर की स्कर्ट के साथ पहनती हूँ, अदरवाइज आप इसको जीन्स के साथ भी पेयर कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेगी, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश और खूबसूरत सा लुक आने वाला है। तो आप इस टाइप से अपनी अपनी साड़ीज़ को शिफॉन की या फिर जॉर्जेट की साड़ी को रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये है एक अलग पैटर्न की कुर्ती जो आप देख रहे हैं। अब नेक्स्ट दिखाती हूँ और लास्ट, आपको सारे टाइप्स की साड़ीज़ की कुर्तीज़ दिखा दी हैं कि आप गाउन कुर्ती अगर आप पसंद करते हैं तो कैसे आप पहन बना सकते हैं उनको। अब ये जो कुर्ती है वो मैंने दुपट्टे में से बनाई है, फ्रंट ओपन कुर्ती। ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी सा मेरे पास ये चिकनकारी दुपट्टा था जो कि मैं ज़्यादा नहीं पहनती थी क्योंकि वाइट कलर का था, तो मैंने इसकी एक कुर्ती बनाने की सोची। ये देखिए फ्रंट ओपन कुर्ती है, इसको मैं जीन्स के साथ भी पेयर कर सकती हूँ और इसको मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉटम्स के साथ पेयर कर सकती हूँ। मेरे पास पैंट्स हैं, वाइट भी है, रेड भी है, तो मैं उन वाइड लेग पैंट्स के साथ इसको पेयर कर सकती हूँ, काफ़ी खूबसूरत सा लुक आता है। और गर्मियों में ये बहुत ही अच्छी सी रहती है, फ्लोई सी कुर्ती, वाइट कलर की वैसे भी बहुत ब्यूटीफुल लगती है कुर्तीज़, तो आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए एक वाइट कुर्ती में। अगर आपके पास दुपट्टा है, साड़ी आप ख़राब नहीं करना चाहते, आप ट्रायल करना चाहते हैं कि आपके ऊपर ऐसी कुर्ती अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, तो आप दुपट्टा होगा आपका 2.5 मीटर का, उस दुपट्टे से आप ये कुर्ती बना सकते हैं। इसे मैंने सिर्फ 100 रुपीज़ का ये दुपट्टा लिया था, चिकनकारी दुपट्टा, अपनी लोकल जो वीकली मार्केट होती है उसमें से, तो उसमें से मैंने ये दुपट्टा लिया था। उसके बाद मैंने इसको पहना एक दो बार तो मुझे सब थोड़ा टोकने लग गए क्योंकि वाइट थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था दुपट्टा लिया हुआ, तो मैंने इसकी ये कुर्ती बना ली। अभी मैं इसको अलग कलर के प्लाजो के साथ, बॉटम्स के साथ पेयर करती हूँ तो काफ़ी अच्छा सा स्टाइलिश सा लुक आता है। तो इस टाइप से आप भी पहन सकते हैं, बना सकते हैं दुपट्टे की कुर्ता। इसमें स्लीव्स नहीं लगा पाई मैं, स्लीव्स बट मैं लगाना चाहती थी बट कपड़ा ही नहीं बचा था कि मैं इसके अंदर स्लीव्स लगाती। तो अगर आप फ्रंट ओपन कुर्तीज़ के शौकीन हैं तो इस टाइप की कुर्तीज़ आप बना सकते हैं, पहन सकते हैं। ये था कुछ कुर्तीज़ के डिज़ाइंस जो मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं आपको, अलग अलग साड़ीज़ को आप कैसे गाउन टाइप की कुर्तीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको आप एज अ ड्रेस भी पहन सकते हैं, एज अ कुर्तीज़ भी पहन सकते हैं, बॉटम्स के साथ, डिफरेंट बॉटम्स के साथ इसको कैरी कर सकते हैं, तो आप इसको पहन सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, बने रहिए स्टेटमेंट के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।